हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। आज हम लोग एक सीरीज़ लाए हैं आपके लिए, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ है, जिसमें आपके केमिस्ट्री के जो फोर चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी और पूरा जो बेसिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे और जहाँ जहाँ आपके एक्टिविटी पोर्शन है और आपके क्वेश्चन है, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, वो सब क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ में आप ज्वाइन रहिएगा और ये जो आपके स्टार्टिंग के जो फोर चैप्टर हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग देखते हैं, तो एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज, जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका ये वाला, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। हम लोग जो अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की थिंग होती है, चीज़ें होती हैं जिनकी शेप डिफरेंट होती है। ये शेप है, ये साइज है और ये आपका टेक्सचर है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, ठीक है। तो मैटर साइंटिस्ट ने नाम दिया उसका, कोई भी चीज़ है जिसके अलग अलग शेप है, वॉल्यूम है, जिसका अलग स्पेस कवर कर रहा है वो, तो उसको साइंटिस्ट ने उस चीज़ को टर्म दिया है वो मैटर है, ठीक है। तो मैटर टर्म यूज़ किया है साइंटिस्ट ने, तो ये वाली बात आपको, ये पॉइंट अच्छा है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, जो आपकी एयर है वो भी एक तरह की मैटर है, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, फूड को हम लोग खाते हैं वो भी अलग साइज का होता है, शेप होती है उसकी और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। स्टोन, ठीक है, क्लाउड है ये आपका, स्टार है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी हमने मैटर कहा है, ठीक है। और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशन एवव एक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो स्पेस को एक्यूपाई करते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, फूड हो, चाहे वो क्लाउड हो, स्टार हो, प्लांट हो, स्टोन हो, ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी स्पेस एक जगह घेरेंगी, ठीक है, स्पेस एक्यूपाई करेंगी। दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव मास, तो इस वजह से इसमें कोई वॉल्यूम भी होगा इसका या फिर इसका कोई मास भी होगा, जब स्पेस एक्यूपाई कर रही है। कोई सपोज मैंने आपको कोई ब्लॉक दिया, ठीक है, ब्लॉक है आपके पास, या फिर एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, वो आपने अपनी जगह रख दिया कहीं पर भी, टेबल वगैरह पर रख दिया, तो वो अपना उसका खुद का वॉल्यूम होगा, खुद का स्पेस होगा, ओके, और उसका साइज़ भी अलग अलग होगा, शेप साइज डिफरेंट होंगे, तो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को और उसके पास वॉल्यूम होगा और उसके पास अपना मास होगा, वजन होगा उसका कुछ। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, ठीक है। जो फिलोसोफर थे पहले ज़माने के, जो एंशियंट टाइम पर थे, तो उन्होंने जो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बताया कि जो हमारे ये जितनी भी नेचर में थिंग, जो हमारे सराउंडिंग एरिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो जो है वो पांच, ये पंच तत्व से बनी हुई है, फाइव चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। वो फाइव चीज़ें क्या हैं, ये आपका ये एयर है, आपका अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर, ठीक है, ये पांच चीज़ें हैं। वन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर ये एंड फाइव ये वाटर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें जीवन हो या नहीं हो, ठीक है, तो ये पांच चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे प्लांट और एनिमल लिविंग होते हैं हमारे, एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग होते हैं, तो ये भी इन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। और जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन का पीस था, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, पत्थर का टुकड़ा है, या क्लाउड है,
या आपके स्टार हैं, या फिर आपको कोई भी चीज़ जो सराउंडिंग एरिया में रखी हुई है, आपका मोबाइल, आपका कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है, वो भी इन चीज़ों से, इन पांच चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी वन है, 1.1, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर। आपने 100 ml का बीकर ले लिया, 100 ml में आप गए होंगे केमिस्ट्री लैब में, तो आपको वहाँ पर बीकर रखे हुए मिलते हैं, है ना। तो आपने 100 ml बीकर ले लिया, तो वहाँ पर फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपने जो बीकर लिया 100 ml का, उसको पानी से भरा, ठीक है, पानी भरा उसमें, फिर उसके बाद उसको मार्क कर दिया, उस पर आपने एक मार्कर से मार्क कर दिया उस बीकर को, ठीक है। डिजॉल्व सम साल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और उसमें साल्ट और शुगर ऐड कर दिया उस बीकर में, पानी में आपने चीनी डाल दी या फिर आपने अपना नमक डाल दिया, जो आप टेबल साल्ट यूज़ करते हैं वो आपने डाल दिया, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आपने कोई चेंज देखा है वाटर लेवल में, उसमें व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो उन्होंने पूछा कि कुछ वाटर लेवल में जो आपने मार्क किया था, आपने साल्ट और वाटर को ऐड कर दिया, तो उसमें जो वाटर लेवल जहाँ पर आपने मार्कर से मार्क किया था, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको क्या, नहीं मिलते उस लेवल में, वाटर लेवल में। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल में चेंजेस आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर स्पेस होती है, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे कोई मैटर है, ठीक है, ये हमारा मैटर है, कुछ भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स ये एटम भी हो सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो ये पार्टिकल्स हैं वो आपके एटम हो सकता है, एटम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या फिर आपके आयंस हो सकते हैं, जैसे NaCl है, तो हमने साल्ट डाला था तो वो NaCl ही था, NaCl, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो ये जो है ये आपके आयंस हैं, ओके, क्योंकि इस पे चार्ज आ गया इसलिए ये आयंस हैं। और यहाँ पर जो एटम है ये है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास वाटर है, सपोज़ ये मैटर जो है वो वाटर है, ये हमारे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो वाटर है, इसके अंदर हमने साल्ट डाला या शुगर डाली, सपोज़ हमने साल्ट डाल दिया, ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसके बीच में, ये जो स्पेस है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पर कुछ साल्ट है, शुगर है, दोनों में से कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इनके बीच में, ये जो स्पेस है, ये जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, ये वाला पोर्शन है, तो ये साल्ट और शुगर है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आकर फिल हो जाएंगे। तो हमारा जो वाटर का लेवल था बीकर में, ये हमारे बीकर है, इस पे जो वाटर का लेवल था, ठीक है, पहले भी इतना था और अभी भी इतना है, क्योंकि जो साल्ट एंड शुगर है ये स्पेस में फिर हो जाएंगे, ठीक है, जो इंटर न्यूक्लियर स्पेस है या इंटर एटॉमिक स्पेस है उसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हम लोग देखते हैं ये वाला पॉइंट, तो वेयर डज इट डिसअपियर, तो स्पेस में ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है, जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उसके अंदर चले जाएंगे शुगर और साल्ट के पार्टिकल। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर नो आएगा, कोई भी वाटर लेवल में चेंज नहीं होगा, और ये डिसअपियर हो जाएंगे।
तो इसके स्पेस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वॉट वॉज देयर इज इन द स्पून साल्ट एंड शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, ठीक है। लिविंग, तो यहाँ पर हमारी एक एक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर ये बता रहा है लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट, जो हमने एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने बताया था। हैड अराइव एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था ये पाँच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो पाँच तत्व से मिलकर बने हैं, नॉन लिविंग हो चाहे आपका लिविंग हो। तो फिलोसोफर ने हम लोग को ये वाली बात बता दी। तो मॉडर्न डे में क्या साइंटिस्ट ने बताया है ये वाली बात, हैज़ इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन बताया इन्होंने बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टी, में केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप द सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उस पर फोकस किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.1 है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर मैटर का क्या क्या है। तो यहाँ पर जो मैटर है, फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर है आपका वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट prevalent regarding the nature of the matter, once school believer matter to be continuous like a block of wood. तो एक ने सोचा कि block of wood की तरह होगा, whereas the other thought that matter has made up of particle like sand, let us perform an activity to decide about the nature of the matter, is it continuous or particulate. तो ये continuous होता है, block की form में होता है या फिर particle की form में होता है matter आपका। तो जब ये वाली बात यहाँ, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा गया एक्टिविटी वन वाला, तो ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बीच में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है, जिसे हम इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। ये बात यहाँ क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर, वाटर था हमारे पास, इसमें ऐड साल्ट, साल्ट को ऐड किया गया, ठीक है। फिर उसको हिलाया गया, कोई रॉड होती है, ग्लास रॉड की हेल्प से या स्पून की हेल्प से, आप घर पर भी ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा, ठीक है, या फिर शुगर या साल्ट में से कुछ भी लेकर स्पून से हिलाते हैं आपने। मिल्क विल्क जो है वो जब आप पीते होंगे उसको, तो आपने उसको मीठा किया होगा, तो वो जो लेवल होता है मिल्क का लेवल, कभी आपने देखा कि वो मिल्क जो है आपने चीनी डाली और मिल्क ग्लास से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर स्पेस होता है, जिसकी वजह से उसमें, जिस वजह से उसमें शुगर के जो जो पार्टिकल्स होते हैं उन स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है, भर जाते हैं। तो लेवल जो होता है वाटर लेवल, वो अनइफेक्टेड होता है, वो कांस्टेंट रहता है और अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ बताइए, वाटर लिया, उसको रॉड से घुमा दिया, तो वाटर और साल्ट ये है। तो यहाँ पर ये बताया गया था पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी जो है 1.1 क्लियर हुई। और यहाँ पर जो है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, अब जो एक्टिविटी टू है उसमें ये पूछा गया है कि जो पार्टिकल्स हमने मान लिया, हमने मान लिया हमारे जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल में स्पेस भी होता है बीच बीच में, ठीक है। तो कितने छोटे होते हैं हमें ये कैसे पता चलेगा, ये बड़े बड़े होते हैं या इसका साइज क्या होता है, तो कोई आइडिया तो हो हमें कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 में ये बताया गया है आपको, ठीक है, ये प्रूफ किया गया है। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक कंपाउंड है, उसको डिसॉल्व किया देन इन 100 ml वाटर में, ठीक है। 100 ml वाटर ले लिया, उसमें पोटेशियम मैंगनेट आपका कंपाउंड है, आपको केमिस्ट्री लैब में देखने को मिल जाएगा। आप इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है,
100 ml वाटर में, तो क्या होगा? टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इंटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है? तो इसमें से 10 ml वाटर जो है वो आप बाहर निकाल लीजिए। जब आपने बीकर लिया उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व किया, उसमें आपने एक सॉल्यूशन बना दिया 100 ml का। उसमें से आपने 10 ml वाटर जो 10 ml जो सॉल्यूशन था उसको अलग कर लिया और उसको 90 ml जो क्लियर वाटर है उसमें ऐड कर दिया। फिर आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसमें से एक 10 ml अलग कर दिया और फिर अलग से जो प्योर वाटर है वो 90 ml वाटर से फिर डिसॉल्व किया। फिर आप इसको रिपीट करते रहे ऐसे ही, तो आप देखेंगे लास्ट में 3-4 बार आपने ऐसा कर लिया तो आप लास्ट में ये देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड होगा, ठीक है? सॉल्यूशन आपका कलर्ड होगा। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? तो यहाँ पर देखेंगे यस, क्योंकि ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल स्मॉल मैटर जो है वो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते, हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते कि वो कितना स्मॉल होगा, ठीक है? तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हर बार जो पार्टिकल्स है वो थोड़े आ जाएंगे। हर बार 10 ml लेंगे और 90 ml में डालेंगे वाटर में, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके, ठीक है? तो जो मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इस बात का ये प्रूफ है, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है वो कलरफुल रहेगा, उसमें कलर आएगा। तो ये जो है वो 100 ml का सॉल्यूशन था, ये भी 100 ml का। यहाँ पर 10 ml लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब आपको देखने के लिए मिलेगी। टेस्ट ट्यूब की शेप ये होती है, ठीक है? आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। तो आपने इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया, 10 ml निकाल दिया इसमें से, फिर आपने इसको 90 ml में डाल दिया, फिर ये आपको पूरा 100 ml हो गया। फिर 90 ml में डाला वो जो निकाला था, तो 10 ml ऐसे ही रिपीट करते रहे तो आपका फिर भी कलरफुल रहेगा, क्योंकि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, ये यहाँ प्रूफ होता है। तो यहाँ पर ये क्या प्रूफ करता है, ये वाला पॉइंट, मैटर इज मेड अप वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो हम लोग अपनी आई से नहीं देख सकते, ठीक है? पार्टिकल्स तो कुछ ना कुछ रह जाते हैं पार्टिकल्स के पीस, इसीलिए पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसीलिए ये कलरफुल दिखता है हमें सॉल्यूशन में। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इंटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। जो आपका डिटॉल है वो 2 ml आप डिटॉल ले लीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह। तो आप अगर पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल लेंगे तो हर बार आप ऐसा ही करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ जो बीकर है उसमें डिटॉल की स्मेल आएगी, कुछ ना कुछ जो पार्ट है डिटॉल का वो रह जाएगा, ठीक है? तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर जो थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, जो आपका ये पार्टिकल्स है ये आपका मैटर है, इसमें पार्टिकल्स हैं, आगे चल के और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो सॉलिड लिक्विड और गैस 3 स्टेज में होता है और वो क्या क्या उसकी डेफिनेट शेप या फिर रेगुलरिटी क्या क्या है वो हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर लेंगे हम आपको उसमें डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर एक मैं पार्टिकल ले रही हूँ, ये वाला जो ये पार्टिकल ले दिए, यहाँ पर ये पार्टिकल है,
इसकी खुद की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से, इंटरनल एनर्जी होती है इस पार्टिकल की, और उस एनर्जी की वजह से ये मूव करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ये इतना मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल होता है वो फ्री टू मूव, ठीक है। और ये ऐसा होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है इसका, एक जगह से दूसरी जगह आता है, डिफ्यूजन प्रोसेस है या ऑस्मोसिस प्रोसेस है, वो इसी की वजह से, इंटरनल एनर्जी की वजह से। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली हम लोग काइनेटिक एनर्जी मान के चलते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया टेम्परेचर को हमने, तो हमारा जो है ये काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी हमारी तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा, फ्री टू मूव, ठीक है। और अगर मूव कर रहा है तो मूव करने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एबिलिटी जो होगी वो मूव करने की इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं पार्टिकल्स। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, ठीक है। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतने ही हमारे पार्टिकल उतनी ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सपोज़ एयर है हमारी, एयर में अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा आए, ठीक है, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं डिफ्यूज़न के थ्रू, तो वो और फास्ट जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर हमने डिटॉल की बात कर ली थी, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हमने डिटॉल ले लिया था, ठीक है। तो आपको पार्टिकल्स के जो स्मॉल नेचर है उसके बारे में पता चल गया था, कितना वेरी वेरी स्मॉल, ओके। और यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग है, मूविंग की कंडीशन क्या क्या है मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक्टिविटी ये पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर ग्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, ठीक है। आप कितनी, मतलब जो इंसेंस स्टिक है ये धूप छड़ी भी कहलाती है, या फिर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में अगरबत्ती भी कह सकते हैं। अगरबत्ती हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, या फिर कुछ आजकल तो जो अगरबत्ती है वो मॉस्कीटो को भगाने के लिए भी है, तो उसमें जो मॉस्कीटो को रिपेलेंट कैपेसिटी जो केमिकल है वो यूज़ किया गया जिससे मॉस्कीटो भाग जाएं। तो हम लोग यूज़ करते हैं मॉस्कीटो की, ऑल आउट वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, तो मॉस्कीटो की अगरबत्ती भी आ गई है मार्केट में। तो वो जो अगरबत्ती है वो स्मेल देती है, ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसमें ये आपसे ये पूछा गया है कि आप पास से उसकी स्मेल सूंघ सकते हैं या दूर से सूंघ सकते हैं। तो यहाँ पर नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंड, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस पे अगर बैठे हुए हैं तो क्या आप स्मेल ले सकते हैं, उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं अगरबत्ती की। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए। तो जो पार्टिकल्स होते हैं तो ये गैसियस स्टेट में होते हैं, अगरबत्ती है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में एयर में डिफ्यूज़ करते हैं इसके, ठीक है। जब ये डिफ्यूज़ करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें स्मेल भी लग जाती है, अरे यहाँ खुशबू आ रही है, ठीक है। तो मूवमेंट की वजह से, मूव करने की वजह से, क्योंकि उसमें उसके पार्टिकल्स में जो आपकी अगरबत्ती है उसके पार्टिकल्स में जो वो स्मोक छोड़ रहा है उसमें फ्रेग्रेंस आ रही है, उसके जो पार्टिकल्स है अगरबत्ती के स्मोक का वो एयर में डिजॉल्व हो रहा है, एयर में डिजॉल्व होकर डिफ्यूज़न क्रिएट कर रहा है ना, डिफ्यूज़न प्रोसेस को शो कर रहा है। अब जब डिफ्यूज़न हो रहा है तो एक जगह हम बैठे हुए हैं तो दूर से स्मेल आ गई कि अरे ये गुलाब की खुशबू है या फिर ये बेले की है, इस टाइप से हम लोग को अच्छी अच्छी स्मेल लग जाती है कि हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। तो डिफ्यूज़न के थ्रू, क्योंकि वो एयर में डिफ्यूज़ कर रहे हैं पार्टिकल्स, इस वजह से हम लोग को स्मेल लग जाती है। डिफ्यूज़न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट की कैपेसिटी है,
मूव करने की कैपेसिटी है, क्योंकि उनके पास एनर्जी है कुछ ना कुछ, तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, तो मूवमेंट की उसकी कैपेसिटी है। तो यही वजह है कि हमें स्मेल लग जाती है, ठीक है। तो दूर से भी स्मेल लग सकती है, पास बैठेंगे तो और तेज़ खुशबू आएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। एक्टिविटी 1.4 देखते हैं हम लोग। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। ग्लासेस बीकर ले लो या ग्लासेस ले लो, उसको वाटर से फिल कर लो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक बीकर में आपने इंक डाल दिया, रेड या ब्लू कलर की कोई इंक है आपके पास, आपने वो डाल दिया, ठीक है, और दूसरे में आपने हनी डाल दिया। तो लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर इन द ग्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो जो ये ड्रॉप है, एक में इंक डाली है एक में हनी डाला है, तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताऊँ। जो आपने आपने यहाँ पर एक बीकर लिया, ये आपका बीकर है, ठीक है, आपने एक बीकर में इंक डाल दी, कोई भी कलर है आपका, रेड कलर है या ब्लू कलर है, कोई भी डाल दिया आपने, और यहाँ पर इस बीकर में ये वाटर है यहाँ पर, वरना तो ये अगर वाटर नहीं होगा एक तरफ चिपक जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये हमने हनी डाल दिया, जो आपकी इंक है, इंक है इसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो ये पहले तो जाएगी और एक थ्रेड लाइक अपीरेंस देगी, धागे की तरह पानी में घुलेगी, थ्रेड लाइक अपीरेंस देगी, ठीक है। तो इंक जब यहाँ पर जाएगी वाटर में, तो एक घंटे बाद आप देखेंगे तो ये पूरा मतलब घुल चुकी होगी, डिजॉल्व हो चुकी होगी, और ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपने ब्लू इंक ली है तो आपका ब्लू हो जाएगा, अगर आपने रेड इंक ली है तो आपका सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है वो आपका कलर्ड हो जाएगा विद इन 1 आवर्स, ठीक है ना। तो एक घंटे में ही हो जाएगा ये काम। और जो हनी होगा उसकी डेंसिटी जो है वो इंक से ज़्यादा है, तो ये पहले तो जाएगा और एक कॉर्नर में नीचे बैठ जाएगा, फिर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत टाइम बाद डिज़ोल्व होगा, ठीक है। लेकिन इंक जो होगी वो इसकी कंपेयर में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। वैसे भी हनी जो होता है वो विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा सा होता है हनी, ठीक है। तो एक तरफ कॉर्नर में कलेक्ट हो जाएगा ये हनी जाएगा, तो फिर धीमे धीमे डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप देख जब डाली थी तो थ्रेड लाइक अपीयरेंस आए थे आपके, ठीक है, अपीयर हुई थी हमको, और हमको ये एक घंटे के अंदर घुल गई थी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। हनी जब डाला तो क्या हुआ, तो वो एक जगह इकट्ठा हुआ, वो कुछ टाइम के बाद वो भी डिजॉल्व हो गया। हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो आप अपने घर में ये करके देखिएगा, एक बीकर लीजिएगा उसमें आप इंक डालिएगा, और दूसरे बीकर लीजिएगा उसमें आप हनी डालिए, कितने टाइम लग रहा है या कितने डेज लग रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑब्जर्व करके कितना आपको टाइम लगा। और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन और रिपीटेड डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये डिटॉल का भी वही वाली सिचुएशन बनेगी जो पोटेशियम परमैंगनेट की बनी थी। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते ये कितने स्मॉल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो आपके मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, उसके अंदर स्पेस होती है। तो इसमें क्या क्या देखा था हमने, स्पेस होती है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड ये देखा था इसका मूव करने की कैपेसिटी है वो क्या क्या है, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग ये डिज़ोल्व होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कितनी फास्टली डिज़ोल्व हो रहा है या मूव कर रहा है,
वो सिचुएशन देखी, तो वही वाली बात यहाँ पर आ रही है। अब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर साल्ट डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफी और लेमिनेट नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। दे शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेस होती है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस या इंटर एटोमिक स्पेस भी कहलाती है। तो उसके अंदर साल्ट है या कुछ भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर फिट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्टिविटी आपकी 1.5 आ गई। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particle of solid and liquid? ठीक है, does the rate of mixing change with temperature? तो ये वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है, temperature change होने पर क्या होगा mixing का। तो यहाँ पर जो copper sulfate के crystal हैं या फिर potassium permanganate के जो क्रिस्टल हैं into a glass of hot water another containing cold water। hot water में ले लिया हमने और cold water में, तो hot water में क्या होगा जल्दी से डिजॉल्व हो जाएंगे, cold water में slowly डिजॉल्व होंगे, क्योंकि temperature increase होने के साथ साथ dissolving capacity भी increase होगी, उसका movement increase होगा, ठीक है, kinetic energy increase होगी। तो hot water में जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे as compared to cold water। तो temperature increase करने से, टेम्परेचर हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज का साइन है, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग मिक्स होने की जो रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो हॉट वाटर है उसमें जल्दी से मिक्स हो जाएंगे और कोल्ड वाटर में स्लोली होंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। तो टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव फास्टर, तेजी से मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी आ जाएगी, उस थर्मल एनर्जी को ही हमने काइनेटिक एनर्जी नाम दे दिया। इन द अबव, अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या क्या है, तो ये तीनों ही एक बात है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि थर्मल एनर्जी कहा था मैम ने, ये काइनेटिक एनर्जी कहा था या फिर आपको इंटरनल एनर्जी टर्म यूज़ किया था, तो ये एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है, ओके। In the above three activity, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. जो ये process है, एक दूसरे में intermixing होने के process जो है, वो diffusion कहलाती है, ठीक है। We also observe that on heating, diffusion become faster. Why does this happen? तो जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, अगर आप गर्म करेंगे, अगर आप हीट करेंगे पानी को, तो डिफ्यूज़न और फास्ट होगा। तो ये वाली बात ये है, अगर डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न कैसे फास्टर होता है, डिफ्यूज़न फास्टर बाय हीटिंग, हीट करने पर डिफ्यूज़न हमारा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेट जो होती है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होती है वो फास्टर हो जाती है हीट करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और डिफ्यूज़न भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे और डिफ्यूज़न प्रोसेस को शो करेंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसमें अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है एक दूसरे में, पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपका
पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक दूसरे को हेल्ड करने की कैपेसिटी होती है पार्टिकल्स में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक दूसरे में आपस में पकड़ने की कैपेसिटी होती है, वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं। तो जो फोर्स लगता है पकड़ के रखने के लिए वो अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.6 देखते हैं हम लोग। प्ले दिस गेम इन द फील्ड मेक फॉर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन बनानी है हमको एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक ब्यू डांसर, ओके। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंग एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन की तरह करना है, ठीक है, हाथ को पकड़ना है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाई टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप्स के जरिए पकड़ना है एक दूसरे को, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड द ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन वन बाई वन इन टू ऑफ मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, वाई, तो कौन सा ग्रुप जो है वो ईजिएस्ट ब्रेक होगा, ठीक है। कौन सा आपने फर्स्ट ग्रुप में क्या किया, आपने जो पीछे की तरफ हाथ कर लिया और उसे लॉक कर लिया, ठीक है, ऐसी चेन बनाई ह्यूमन चेन। और सेकंड ग्रुप में आपने क्या किया, हैंड को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ कर बना लिया। थर्ड ग्रुप में क्या किया, आपने फिंगर टिप्स जो होती हैं, ये फिंगर टिप्स होते हैं, उनको टच करके बनाया, ठीक है, चेन बना ली। तो जो आपका थर्ड होगा, जो आपका थर्ड होगा वो ईजिएस्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फिंगर टिप से ही आपने टच किया है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स वीक होगा। जब फोर्स वीक होगा, अच्छी तरह आपने पकड़ा ही नहीं है फिंगर टिप के जरिए, फोर्स जब वीक होगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में या एटम में या किसी भी सिचुएशन में अगर फोर्स स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग फोर्स होगा, जितनी अच्छी तरह वो पकड़ कर रख रहे हैं आप, उतने ही मुश्किल से उनको तोड़ पाओगे, ठीक है, पुल कर पाओगे, खींच पाओगे। तो अगर जितना वीक फोर्स होगा उतना ही इजीली ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड जो चैन है ये वाली, वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, इजीली ब्रेक, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स जो है पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है वो कम है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो आपकी आएगी एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी 1.7 है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है, टेक एन आयरन नेल ए पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। तो आपने एक आयरन का नेल ले लिया, या आयरन की सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे अगर हम, तो एक चोबा वगैरह कील होती है, ठीक है, उसको नेल कहते हैं। आयरन नेल ले लिया आपने, ए पीस ऑफ चॉक ले लिया, ठीक है, चॉक जो चॉक होती है आपका, उसका एक पीस ले लिया, एंड रबर बैंड ले लिया। रबर बैंड जो होता है, जो आप अपने पोनी टेल यूज़ करती हैं, गर्ल्स यूज़ करती हैं पोनी टेल में, वो रबर बैंड होता है आपका, या फिर कोई और किसी भी तरह का रबर बैंड हो सकता है जो पॉलीथीन को पैक किया जाता है, ओके। तो ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हमरिंग कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, अब उसको हथौड़ा जो होता है, हमर होता है हैमर, उससे मार सकते हैं, ठीक है, आयरन पीस पे, और कट कर सकते हैं चाक को, और स्ट्रेच कर सकते हैं रबर बैंड को, आप खींच सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द एबव थ्री सबस्टेंट डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किस में ग्रेटर फोर्स होगा, ठीक है। तो फोर्स सबसे ज़्यादा होता है ये आयरन नेल में, जो आयरन का पीस होता है वो बहुत अच्छा सॉलिड होता है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, पकड़ रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है आयरन नेल में। तो आयरन नेल जो होगा उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ब्रेक करना तो मुश्किल हो गया, ठीक है। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, फोर्स जो होता है वो आयरन नेल का ही सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से आप इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये टूटेगा तो नहीं आयरन नेल। एक्टिविटी 1.8 है यहाँ पर, ओपन अ वाटर टैप,
ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर. ठीक है, वे आर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर. तो आपने एक टैप को, वाटर टैप को ओपन किया, आपने अपने फिंगर से उसे, उसकी जो फ्लो, जो स्ट्रीम है, जो बह रहा है पानी आपका, टैब आप यूज़ करते हैं, पानी खोला आपने टैब में से, तो वो एक स्ट्रीम धार के फॉर्म में आया. ठीक है, तो आपने अपनी फिंगर ली और उसे कट करने की कोशिश करी, तो आपसे कट नहीं हुआ. कट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स होती है. ठीक है, तो इसका जो रीज़न है, व्हाट कुड बी द रीज़न, तो रीज़न जो है इसके अंदर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स होता है. किसके अंदर होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स? वाटर के अंदर. ठीक है, तो आपका ये वाटर है, इसके अंदर होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. इन अबव थ्री एक्टिविटी 1.6 से आपका 1.7 हमने देखा एंड 1.8 भी देखा. सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल टुगेदर. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. ठीक है, तो एक मैटर की जगह दूसरे मैटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जो मैटर है उसके थ्री स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होगा. ठीक है, कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की कंपैरिजन में. फिर उसके बाद गैसेस है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लेस होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है, अट्रैक्शन इज लेस. ठीक है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है सॉलिड में. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चंस क्या क्या है, फोर क्वेश्चन है आपके. तो यहाँ पर जो वन है, व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. इनमें से जो मैटर है या थिंग है या कोई चीज़ है वो क्या है. तो यहाँ पर चेयर का एग्जाम्पल दिया है, एयर है, लव है, स्मेल है, हीट है. ठीक है, एमंड्स है, थॉट है, कोल्ड है, कोल्ड ड्रिंक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है. तो यहाँ पर जो मैटर है, मैटर क्या है, जो स्पेस को एक्यूपाई करें. ठीक है, स्पेस को कवर करे, जो जिसका वॉल्यूम हो, जिसकी शेप हो, वो आपका मैटर है. तो यहाँ पर चेयर है, जो आप चेयर पे बैठते हैं वो मैटर है. ठीक है, एयर है, एयर भी आपकी मैटर है. ठीक है, लव, लव जो है वो इमोशन है, तो ये तो कोई मैटर नहीं है. ठीक है, मैटर कोई इसमें स्पेस कवर नहीं कर रहा, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो लव जो है वो नहीं है. स्मेल, स्मेल जो है उसको, इसके बारे में ये कहा, मतलब ऐसा आइडिया है स्मेल के बारे में, जैसे हमारा फूड पका, खाना पका, तो जो उसमें, उसमें जो स्मेल आती है, एरोमा वगैरह, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आती है. तो स्मेल भी हमारा एक तरह से मैटर है. ठीक है, स्मेल है हमारा, ये है चेयर है, एयर भी है, स्मेल भी है, हेट, हेट भी एक तरह का इमोशन है, ये कोई मैटर नहीं है. आमंड, ये बादाम वगैरह हैं, ये भी है हमारा मैटर. थॉट, थॉट भी नहीं है, सोचने समझने की कैपेसिटी, ये भी नहीं है. कोल्ड, सर्दी वगैरह, ये भी नहीं है मैटर. कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैटर है, क्योंकि वो लिक्विड है, स्पेस एक्यूपाई करे, वॉल्यूम है एक, और शेप जो है वो कंटेनर पे डिपेंड करेगा जिसमें वो रखी गई है. स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो जो परफ्यूम है उसकी स्मेल, हाँ, स्मेल को माना गया है, क्योंकि जो स्मेल परफ्यूम होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, जैसे फूड के जो छोटे छोटे एरोमेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोग को स्मेल लगती है. ओके, तो परफ्यूम भी आपका जो है वो मैटर है, तो ये भी मैटर है. कोल्ड ड्रिंक आपकी मैटर है, हाँ है, परफ्यूम भी आपका मैटर है. सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीच योर सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. तो आपकी जो फूड जो गर्म होता है उसकी स्मेल दूर तक आती है. ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ स्मेल आती है, जैसे घर में खाना पक रहा है
और वो गर्म है, तो हम लोग को आइडिया लग जाता है जैसे हमारा फेवरेट फूड होता है, जो डिश होती है जैसे बिरयानी है या फिर कुछ और चिकन वगैरह बनाओ या फिर आपके छोले भटूरे टाइप कुछ बनाओ, तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वाह ये बन रहा है आज घर में, तो वो जो स्मेल है हॉट अगर गर्म होता है तो दूर तक आती है और जल्दी आ जाती है, और अगर कोल्ड फूड है आपका ठंडा रखा हुआ घर में खाना है तो आपको स्मेल नहीं लगती, तो वो जो स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। ऐसा है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं, जब मूव करते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर अगर गर्म ज़्यादा होगा तो मूवमेंट तेज़ होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट स्लो होगा। तो हॉट में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दूर तक पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज़ करते हुए जाते हैं और हम लोग को स्मेल लग जाती है कि आज हमारे घर में अच्छा सा खाना पका है, ठीक है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, तो जो कोल्ड फूड है तो उसके लिए तो हमें पास जाना पड़ेगा, तब हमें आइडिया लगेगा अरे ये बना है कोल्ड फूड में, तो और इतना टेस्टी भी नहीं लगता है, ओके। और जो आपका क्वेश्चन 3 है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, जो डाइवर होते हैं स्विमिंग पूल में वो मतलब आराम से तैरते हुए चले जाते हैं और वो जो वाटर होता है उसको कट करते हुए काटते हुए पानी को चले जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल में वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो उसको ब्रेक करना मतलब थोड़ा सा ब्रेक करना ईजी हो जाता है, सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं तो उनको तो ब्रेक किया नहीं जा सकता, ऐसे करके काटते हुए नहीं जा सकते। तो वाटर में जो स्विमिंग कैपेसिटी है वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स की वजह से, जो आपका ये वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स है यहाँ पर वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स की वजह से इजी हो गई डाइविंग करना, इजी हो गई, ठीक है डाइविंग। तो वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स होते हैं पानी के, तो इसकी वजह से इजीली कट करके आराम से तैरते हुए स्विमिंग पूल पे चले जाते हैं डाइवर्स। और आपका जो फोर पॉइंट है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पार्टिकल ऑफ मैटर के, फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमारे मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, उनके बीच में स्पेस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि मूवमेंट जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है उनके अंदर। और थर्ड पॉइंट जो हमने देखा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है जो अट्रैक्टिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से वो हेल्ड किए हुए होते हैं आपस में, एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, ओके। तो ये दो तीन तरह का मतलब अलग अलग टाइप में, अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप का हो सकता है, सॉलिड है तो स्ट्रांग होगा, लिक्विड है तो वीक होगा, और अगर गैसेस है तो वेरी वीक होगा, ओके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। और यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ मैटर है, तो यहाँ पर स्टेट बताई गई है मैटर की। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैटर है, ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट्स, वी कैन सी व्हाट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, तो 3 स्टेट में जो मैटर मिलेगा हमें वो 3 स्टेट में मिलेगा, कौन कौन सी है, 1 जो है फर्स्ट जो है वो सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड है, एंड जो आपकी गैस है वो थर्ड है, ठीक है। तो 3 स्टेट में हमें मैटर मिलेगा, मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड आपका लिक्विड, एंड थर्ड है आपका गैस, ओके। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल, है द सॉलिड स्टेट है,
यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट जो मैटर की स्टेट है सॉलिड, ये वाली, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 1.9 में हमें बताया गया है करेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल, ए पेन, अ बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ थ्रेड, स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, व्हाट हैपन इफ दे आर हमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग them by applying force, are you able to compress them? All the above are example of the solid. We can observe that all these have a definite shape, distance, boundary and fixed volume. Okay? That is have negligible compressibility. ये जो है distance, boundary and fixed volume है। That is have negligible compressibility. Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside forces. Solid may break under force but it is difficult to change their shape so they are rigid. है ठीक है, ये rigid होता है solid आपका, incompressible होता है, इसको compressed नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जो आपका solid है, ये आपका solid, ये आपका matter है और वो है सॉलिड, ठीक है, और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अच्छी तरह से अरेंज होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, इस तरह अरेंज्ड होंगे। और इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, स्पेस तो होता है लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के अंदर। तो जो आपका सॉलिड है उसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस होता है, स्पेस इज नेग्लिजिबल। बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, तो स्पेस बहुत नेग्लिजिबल होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो जो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स वो आपका होता है स्ट्रांग, ओके। और जो थर्ड है आपका पॉइंट, इसका जो शेप होता है, शेप होता है एंड वॉल्यूम वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं फिक्स्ड होता है। और ये इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं होता, इम्प्रेस जो स्पेस होता है एटम्स के अंदर जो स्पेस होता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो स्पेस होता है तो उसकी वजह से ये कंप्रेसिबल हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं होता तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए ये रिजिड होते हैं, ठीक है, ये रिजिड होते हैं मतलब टाइट होते हैं, टफ होते हैं, टच करते हैं तो टाइट लगता है तो रिजिड होते हैं, ठीक है, दृढ़, दृढ़ कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके, तो ये वाले पॉइंट है आप सॉलिड के बारे में याद रखिएगा। दे आर रिजिड, कंसीडर द फॉलोइंग, ए पॉइंट, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, क्या रबर बैंड जो है वो शेप चेंज कर रहा है, क्या ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर ऑफ एंड साल्ट व्हेन कैप्ट इन डिफरेंट जार, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड, तो जो सॉलिड होते हैं, हाँ ये सॉलिड है क्योंकि ये जो है वो जो है स्पेस अगर कवर करें लेकिन उनको खुद का जो पार्टिकल्स है शुगर और साल्ट का वो तो एक फिक्स्ड है ना, चाहे आप जार में रखो या किसी में रखो, शुगर या साल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वॉट अबाउट अ स्पंज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई, क्योंकि इसके अंदर स्पेस होते हैं, हाँ ये सॉलिड होते हैं
लेकिन इसके अंदर स्पेस होते हैं, लेकिन जो इसके ये सब चीज़ों से जो मिलकर बने हुए हैं पार्टिकल्स, उनके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड पोजीशन होती है। ऑल द अबव आर सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन वी ऑब्जर्व। द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, ठीक है। तो इसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है, इसका क्रिस्टल की बात की गई है, ना कि पूरे जो जार है किसी भी आप कंटेनर में रख रहे हैं उसकी शेप की बात नहीं की गई, सिर्फ एक सिंपल क्रिस्टल की बात की गई है। ए स्पंज हैज मिनट होल, ठीक है, माइन्यूट होल्स हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है, ये सब सॉलिड है। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के बारे में बात की गई है, पहले सॉलिड स्टेट की बात हो गई, अब लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। ओके, तो एक्टिविटी 1.10 में बताया गया, करेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, वाटर लिया, कुकिंग ऑयल लिया, मिल्क लिया, जूस लिए, एक कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है। तो वाटर जो है वो भी लिक्विड है, कुकिंग ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल है आपका रिफाइंड है और आपका घी है, तो जो कुकिंग ऑयल है वो भी लिक्विड है, मिल्क जो है वो भी लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है, एक कोल्ड ड्रिंक वो भी लिक्विड है। अब आप घी को लेकर कन्फ्यूज हो रहे होंगे, वो तो सॉलिड हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, एक जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। बी ए कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml ऑफ मार्क्स ऑफ दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैब, ठीक है, 50 ml मार्क कर लिया गया और कंटेनर में डिफरेंट शेप के कंटेनर है आपके। व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, क्या ये लिक्विड्स जो हैं वो छलक जाएंगे फ्लोर पर। मीजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू ए डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा। यस, वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि जो 50 ml हमने लिए थे वो सभी लिए थे, वाटर लिया था, कुकिंग ऑयल लिया था, मिल्क लिया था, जूस लिया था, आपको कोल्ड ड्रिंक लिया था, वो सब हमारा 50 ml है, तो वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। डज द, किसी भी कंटेनर में आप डाल दो तो वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। शेप की बात बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है, ये बात आ रही है यहाँ पर। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम वैन यू वैन, क्या शेप जो है वो लिक्विड की सेम रहेगी। नो, कंटेनर के शेप पर डिपेंड करती है, लिक्विड की जो लिक्विड होता है उसकी जो शेप होती है वो कंटेनर के शेप पर डिपेंड करती है। अगर आप बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा हो जाएगा, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो लिक्विड की जो शेप होगी वो ग्लास जैसी हो जाएगी। ओके, तो ये शेप पर, शेप जो है वो कंटेनर पर डिपेंड करती है। अगर 50 ml वॉल्यूम अगर सेम है सबका, कंटेनर हमने 50 ml वॉल्यूम फिक्स्ड ले लिया था तो वॉल्यूम तो हमारा सेम था, लेकिन जो शेप है वो कंटेनर की शेप पे डिपेंड करेगी, तो हमारे जो शेप है सेम रहेगी। नो, सेम नहीं रहेगी, कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगी, बिकॉज इट्स डिपेंड द शेप ऑफ कंटेनर। ओके, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। हाँ, इजीली लिक्विड में एबिलिटी होती है फ्लो करने की, जो हमारे फ्लूड होते हैं लिक्विड एंड गैस, इसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, तो ये फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है यहाँ पर बात आ गई, और जो शेप होती है नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अच्छा है, आपको इसको याद रखिएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, लिक्विड फ्लो एंड शेप चेंज शेप है, ठीक है, लिक्विड फ्लो होता है और जो उसकी शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है, कंटेनर की शेप पर डिपेंड करती है। सो दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, सपोज ये हमारा लिक्विड है, यहाँ पर ये लिक्विड है तो इसके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता है, एटम्स जो होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स
वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और इसके अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गैस की कंपेयर में बात करेंगे तो स्ट्रांग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है स्पेस होने की वजह से ये कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसिबल। ओके, तो ये वाली बात यहाँ बताई है। इन विच दे आर कैप्ट लिक्विड फ्लो, फ्लो की फ्लो हो सकती है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है तो फ्लो की एबिलिटी होती है। चेंज शेप, शेप भी चेंज हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों ही इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि वीक है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इन टू द लिक्विड्स, ठीक है। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, गैसेज जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफ्यूज़ हो जाती हैं और वाटर में भी डिजॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेज एस्पेशली ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट, जो पानी में रहने वाले एनिमल और प्लांट होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये ऑक्सीजन है हमारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला ये, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो जो वाटर में रहने वाले प्लांट और एनिमल्स होते हैं आपके, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, कुछ CO2 को ले रहे हैं, ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो CO2 को ले रहे हैं, एनिमल्स O2 को ले रहे हैं, तो ये इजीली उनको सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। इसकी जो ये एबिलिटी है या प्रॉपर्टी है डिजॉल्व होने की गैसेस की, तो ये हमारे एनिमल्स और प्लांट के लिए जो पानी में रहते हैं उनके लिए यूज़फुल है, ठीक है। अगर डिजॉल्व नहीं होगी तो वो कैसे ऑक्सीजन या CO2 ले पाएंगे, ठीक है, तो अगर डिजॉल्व हो रही है तभी ले पा रहे हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीद फॉर सर्वाइवल, तो जो ब्रीथ है, ब्रीथिंग, सांस लेते हैं हम लोग, ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमारे प्लांट्स लेते हैं, द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड, जो सॉलिड है लिक्विड एंड गैस ये डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, चलिए अब हम लोग कल जो आपका लेक्चर आएगा, आपका लेक्चर 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज का जो पॉइंट है वो यहीं तक है, ओके। तो आप ना, हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला जो लेक्चर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप हमको पर्सनली ज्वाइन करेंगे तो हम आपको डाउट, जो आपके डाउट्स आते हैं, वैसे तो क्लास में बहुत सारे डाउट आपके सॉल्व करवा देंगे हम आपके, लेकिन फिर भी अगर आपको आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, आंसर देकर क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वो आराम से क्लास ले लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आपने हमें, आपको ये सारा जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ओके, थैंक यू।